हेलो एंड वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं मैंगो मस्तानी। मैंगो का सीज़न हो और मैंगो मस्तानी ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। बहुत ही यमी और टेस्टी डिश है मैंगो मस्तानी की, बहुत ही डिलाइटफुल। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी। बहुत ही इजी है, जो मिनटों में बन सकती है, और ये मौसम में ना खाएं तो फिर कब हम ये इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए पहले हम ग्लास को थोड़ा गार्निश करेंगे रूह अफ़ज़ा रेड कलर का। कोई भी आप रेड कलर के सिरप के साथ ऐसे गार्निश करके कर सकते हैं। और फिर इसको थोड़ा सा हर्षी सिरप भी लगाना है, कोई भी चॉकलेट सिरप आप लगा सकते हो। मैंने दो मैंगोज लिए हैं अल्फेंसो के। मैंगो मस्तानी में मोस्टली अल्फेंसो मैंगो का ही टेस्ट आता है, दूसरे मैंगो की इतनी टेस्ट नहीं आती है। तो इसको हम अभी ग्राइंड करेंगे। इसके थोड़े पीसेस मैं गार्निशिंग के लिए रख देती हूँ। इसमें मैं 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालूंगी। आप कोई भी शुगर डाल सकते हैं, बट कभी शुगर अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होती है तो मुँह में उसके क्रंचेस लगते हैं। इसके लिए मैंने पाउडर शुगर अभी इसको ग्राइंड करूँगी। अब इसमें मैं 1 ग्लास मिल्क डाल रही हूँ। फुल फैट मिल्क है और मिल्क चिल्ड होना चाहिए एकदम। और इसमें मैं 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम डाल रही हूँ। और इसको अब फिर से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, अभी ये ब्लेंड होके रेडी हो गया है। अब इसको ग्लास में पोर करेंगे हम। फुल नहीं पोर करना है। अब इसके ऊपर हम आइसक्रीम डालेंगे। इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, बादाम पिस्ता। मैंगो मस्तानी में पिस्ता बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा रेड सिरप ऊपर से डालेंगे हम और थोड़ा सा हर्शीज का भी चॉकलेट सिरप, या कोई भी चॉकलेट सिरप आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मिनटों में तैयार हो गया मैंगो मस्तानी, जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है ग्लास भी, ग्लास डेकोरेशन और फिर आइसक्रीम, एवरीथिंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है।